हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी इस तरीके की हाइपर पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इसकी वजह से हो जाती है आपको बहुत ज़्यादा टेंशन? तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विटामिन सी फेशियल। घर पर ही आप कैसे विटामिन सी फेशियल कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले विटामिन सी फेशियल के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी फेशियल बेसिकली स्किन की डलनेस को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। ये स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन में कॉलेजन के लेवल को बूस्ट करता है। सन के एक्सपोजर के कारण अगर आपकी स्किन डैमेज हो जाती है तो उसको रिपेयर करता है और स्किन को ब्राइट करता है। इतने सारे बेनिफिट होते हैं विटामिन सी फेशियल के। तो सबसे पहले टोनर के लिए मैंने फ्रेश ऑरेंजेस का जूस यूज़ किया है। इससे बढ़िया और अच्छा टोनर हो ही नहीं सकता फ्रेंड। ये डीपली आपके स्किन को क्लीन कर देगा। उसके बाद जितने भी स्टेप्स हम फॉलो करेंगे उसके हमें अच्छे रिजल्ट मिलने ही वाले हैं। यहाँ मैंने स्क्रब बनाने के लिए विटामिन सी की टैबलेट्स का यूज़ किया है। 4 से 5 टैबलेट्स आपको यूज़ करनी है, आपको केमिस्ट की शॉप पर इजीली मिल जाएगी। देन इसमें मैंने खादी का ऑरेंज फेस जेल ऐड किया है और इसको ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है। आपका स्क्रब बनकर रेडी हो चुका है। पूरे फेस पर इवनली अप्लाई करने के बाद हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। आपके फेस पर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको मेनली फोकस करना है। ये स्क्रब ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को लूज कर देता है जिसके बाद वो इजिली रिमूव हो जाते हैं। स्क्रब करने के बाद ही आप अपना फेस देखेंगे, फेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। अगर सेंसिटिव स्किन है तो आपको मसाज बहुत ज़्यादा लाइट हैंड से करनी है। मसाज की ये स्टेप आपको 5 मिनट तक फॉलो करने हैं। बनाएंगे मसाज क्रीम। इसमें मैंने खादी के ऑरेंज पील का 1 चम्मच जेल ऐड किया है। देन उसमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया है। देन इसमें मैंने 5 to 6 ड्रॉप फ्लेक्स सीड ऑयल की ऐड की है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक बढ़िया सा पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। फ्रेंड, इवनली मिक्स करने के बाद आपको अपने फेस पर इसे अप्लाई करना है और हल्के हाथों से अपने फेस की मसाज करनी है। फ्रेंड, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बाज़ार में मिलने वाली अच्छी से अच्छी विटामिन सी मसाज क्रीम से भी बेस्ट रिजल्ट ये क्रीम आपको देगी। आपको 10 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करनी है, सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है और मसाज के जितने भी स्टेप्स आप फॉलो करेंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ताकि आपकी स्किन जो है टाइट हो सके। ये फेशियल मेनली आपके स्किन को टाइट करने के लिए है। अगर स्किन आपकी काफ़ी ढीली हो चुकी है, लूज़ हो चुकी है, आँखों के नीचे की स्किन लटकना स्टार्ट हो गई है तो ये फेशियल स्किन को टाइट करेगा। आपको अच्छे रिजल्ट के लिए महीने में 2 टाइम इस फेशियल को करना ही करना है। जैसे स्टेप्स मैं आपको दिखा रही हूँ, आप वीडियो को स्लो मोशन में देखिए, स्टेप्स फॉलो कीजिए। अपवर्ड डायरेक्शन में सारे के सारे स्टेप्स आपको करने हैं। ये सारे स्टेप्स आपके फेस के प्रेशर पॉइंट्स पर मेन टारगेट करते हैं जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, स्किन टाइट होती है, स्किन में ग्लो आता है। तो इस तरीके से आपको लगभग 10 मिनट तक अपने फेस की मसाज देनी है और आपकी जो फिंगर्स होंगी उसको आप बिल्कुल लाइट हैंड से यूज़ करेंगे। हार्श बिल्कुल भी नहीं होना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आराम से अपना टाइम दीजिए, रिलैक्स होकर फेशियल कीजिए और मैं सजेस्ट करूँगी कि ये फेशियल आप नाइट के टाइम कीजिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट। एंड क्योंकि नाइट के टाइम विटामिन सी फेशियल बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि सन के एक्सपोजर में आने के बाद इसके रिजल्ट कम हो जाते हैं। विटामिन सी सन के एक्सपोजर में आने के बाद रिजल्ट बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसलिए आप अगर नाइट के टाइम करते हैं इस फेशियल को तो नाइट के टाइम आपकी स्किन हील होगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसके बाद नॉर्मल वाटर से मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी। देन मैं अपना फेस आपको दिखाती हूँ, मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। एक शाइन आप मेरे फेस पर देख सकते हैं और नेक्स्ट डे ये शाइन और ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी। आई वॉज़ रियली वेरी सरप्राइज कि महंगे से महंगा अगर आप फेशियल करते हैं ना तब भी इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ये ओनली सेकेंड स्टेप था। फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैंने ऑरेंज पील का पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ऐड किया है और एक बढ़िया सा पेस्ट बनाने के लिए मैंने ऑरेंज का ताज़ा ताज़ा जूस इसमें ऐड किया है। देन मैंने 1 छोटा चम्मच हनी ऐड किया है।
ये मैजिकल फेस पैक बनकर रेडी हो चुका है। ऑलरेडी मेरे फेस पर इतनी अच्छी शाइन आ चुकी है कि मैं इसको देखती जा रही थी। देन मैं अपने पूरे फेस पर इवेनली फेस पैक को अप्लाई करूंगी। देख सकते हैं बहुत इजी 3 स्टेप्स का फेशियल मैंने यहाँ पर शेयर किया है। कोई तामझाम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी शादी होने वाली है और आप अपने स्किन पे एक्स्ट्रा ग्लो चाहते हैं तो प्री ब्राइडल फेशियल में आप इस फेशियल को डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड ये है फाइनल रिज़ल्ट। मुझे ये फेशियल करके बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे इंस्टेंट रिज़ल्ट मिले। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी और नेक्स्ट डे मेरी स्किन में और अच्छा ग्लो आया। तो इस फेशियल को आप भी करके ज़रूर देखना और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। फ्रेंड अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इस फेशियल का बेनिफिट उठा सकें। तो मिलती हूँ मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय।